नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा जहरीली हो चुकी है। 24 घंटे में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर चुका है। वहीं बात की जाए फरीदाबाद की तो फरीदाबाद की हवा भी इसी श्रेणी में रही। साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का प्रदूषण भी बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे कि लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। शुक्रवार को दिल्ली व फरीदाबाद की हवा गंभीर स्तर में चली गई। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 406 तो वहीं फरीदाबाद का 423 रहा। वहीं दूसरी तरफ अन्य शहरों की हवा की गुणवत्ता गंभीर के करीब ही रही। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम व नोएडा का सूचकांक 378, 386, 379 और 394 तक पहुंच चुका है। बता दें कि राजधानी की हवा को खराब करने में लोकल ही वोकल है, यानी कि दिल्ली का अपना प्रदूषण ही हवा को ज्यादा गंभीर कर रहा है। पराली जलने के पीक मामले दर्ज होने के दौरान भी 50% से ज्यादा प्रदूषण स्थानीय स्रोतों से हुआ है और उसका खुलासा केंद्रीय एजेंसी सफर की एक रिपोर्ट से हुआ है। इसमें दिवाली से पहले और इसके बाद के 5-5 दिनों में हवा को प्रभावी तौर पर प्रदूषित करने वाले PM2.5 की मात्रा का विश्लेषण भी किया गया है। सफर की रिपोर्ट पराली के धुएं, बाहरी व स्थानीय स्रोतों की मात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वही स्थानीय स्रोतों के लिए जिम्मेदार कारक भी इसमें दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि दिवाली से पहले दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों का हिस्सा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका वाहन से होने वाले प्रदूषण की थी और दूसरा उद्योगों का रहा। दिवाली के बाद पराली जलाने के मामले ज्यादा दर्ज किए गए और इस दौरान पटाखे भी जलाए गए थे। इसके बावजूद हवा को खराब करने वाले 52% प्रदूषक दिल्ली के अपने थे और पराली के धुएं का हिस्सा 30% के करीब रहा। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।